खुद को मिटाने की साहस जिसके पास है वो ही ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। मार्ग कोई भी हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो या अन्य कोई भी मार्ग हो, जिस भी मार्ग में आप खुद को मिटाते जाते हो, खुद को मिटाने की ताकत रखते हो, तभी आप सत्य से साक्षात्कार कर सकते हो। पर आप खुद को ना मिटाकर अपनी अहंकार को ही तृप्त करते जाते हो तो आपका सत्य से साक्षात्कार कभी नहीं होगा। अहंकार ही तृप्त होता जाएगा। अहंकार जितना बढ़ता जाएगा उतना ही हम सत्य से दूर होते जाएंगे, उतना ही पर्दा पड़ते ही जाएगा। जैसे कि हम आध्यात्मिक की राह पर चलते हैं, सत्य की खोज करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ऋषियों की जीवन को पढ़ते हैं, उन्होंने कही हुई बताई हुई ज्ञान को भी पढ़ते हैं, उन्होंने भक्ति ज्ञान अनेक प्रकार के योग शरीर शुद्धि मन शुद्धि भाव शुद्धि आत्मा परमात्मा सभी के बारे में सभी विषय में अच्छे से बताए हैं। पर हम उस मार्ग पर नहीं चलते हैं, उस चीज को पकड़ लेते हैं। हमारे ऋषि मुनियों के पास अद्भुत ज्ञान था, उस समय भी उन्होंने ऐसे अद्भुत ज्ञान हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो हमें पुरातन होने का सनातन होने का ही घमंड आ जाता है। फिर हम उस शब्द को उस विषय को पकड़ लेते हैं, वही हमारा ज्ञान बन जाता है, हमारा अहंकार बन जाता है। कब हमें पता ही नहीं चलता कि वे सब हमारा अहंकार बन गया होता है। पढ़ने का सुनने का जानने का सबको हक है, पर उस शब्द को उस ज्ञान को उस विषय को नहीं पकड़ना है, उससे गुजर जाना है, खुद को भी वैसे गुजरना है। खुद चलने से ही मिलता है। खुद का ज्ञान तभी होता है जब हम खुद चलते हैं और खुद पाते हैं, खुद जानते हैं। जैसे कि भक्ति मार्ग में किसी भगवान का ईश्वर का किसी का भक्त बनते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमें मिटना आना चाहिए। तब फिर जीवन में कुछ भी आए, संघर्ष आए, अच्छाई आए, बुराई आए, कुछ भी आए, नाम बदनाम सम्मान कुछ भी आए, फिर उसको ईश्वर का ही प्रसाद समझकर स्वीकार करना है। जिस ईश्वर का आप भक्ति करते हैं, फिर उसी ईश्वर पर भी आप बात भी उठाते हैं, शक करते हैं, तो भक्ति कैसे हुआ? आपका जीवन जैसे है, जैसा भी चल रहा है, वे उसी का ही देन है, समझकर स्वीकार करना पड़ता है। किसी से धोखा मिला, किसी से छल मिला, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने इल्जाम लगा दिया, इन सभी परिस्थितियों में दुख क्यों होता है? खुद को देखना है और खुद को परिवर्तन करना है और स्वीकार करना है। कोई भी राग द्वेष किसी के लिए नहीं रखना है। हम किसी ने कहे हुए एक बात को सह नहीं सकते हैं, फिर ये सब चीजों को स्वीकार करके शांत भाव से कैसे आगे बढ़ सकेंगे? जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो स्वयं को जानने के पथ पर चलते हैं तो ये सब करना ही पड़ता है। हमें किसी और ने किया हुआ गलती चलाकी धोखा उसमें भी स्वयं को ही देखना होता है। मुझे क्यों दुख लग रहा है? दुख किसको हो रहा है? किस कारण हो रहा है? मेरा कहां पर भूल हो गया? इसको सूक्ष्म तल पर समझकर जो हमारे भीतर एक मैं है उसको दुख लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया।
उस मैं को पूछना है कि मैं कौन हूँ और मुझे इतना दुख क्यों लग रहा है, मैंने खुद को क्या माना है इसलिए दुख लग रहा है, वो मैं क्यों सोचता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता कोई, किस अहंकार से किसका आधार से वो मैं खुद को ऐसा समझता है। उस मैं को प्रश्न करना है, उसका खोजी करना है और उसको गिराना है। हर समय हर चीजों में हर परिस्थितियों में खुद को देखना है, खुद को मिटाना है। उस मैं को बार बार प्रश्न करना है, वे किसके आधार पर इतना मजबूत होकर बैठा है। उस मैं को अपना औकात दिखा देना पड़ता है कि तू मैं करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब उस मैं को बताना है कि तू मैं करता है पर तेरा कोई मजबूती का आधार नहीं है जिसके आधार पर तू मैं करता है। जो ऐसे मैं का भ्रम है, उस भ्रम को ऐसे करते करते समझ से हमें मिटाना है। ऐसे हम समझ से उस मैं को मिटा नहीं सकते या अहंकार को गिरा नहीं सकते तो ईश्वर का मर्जी समझकर सब कुछ स्वीकार करना है और खुद को भी ईश्वर को अर्पण कर देना है। आप योग से जाओ, भक्ति से जाओ, ज्ञान से जाओ, ध्यान से जाओ, पर जब तक आपका ये मैं मिटता नहीं, इसको आप गिराते नहीं, इसको आप समझते नहीं, तब तक आपका सारा ज्ञान, सारा मार्ग, सारा नियम, सारी सत्कर्म जो आपको लगता है, वे सब आपका अहंकार को ही तृप्त करता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आप निकले थे किस रास्ते पर और आप पहुंचेंगे कहीं और पर। तो इस राह पर चलते चलते समय समय में रुकना है, ठहरना है, अपने कर्म को, अपनी बुद्धि को, अपने विचार को ध्यान से देखना है, ठहरना है। ज्यादातर यही होता है कि जो अहम होता है उस भ्रम को हम तोड़ नहीं पाते हैं, उसको ही हम तृप्त करते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। जब हम आध्यात्मिक राह पर चलते हैं तो तब किसी और का बुराई देखना ही नहीं है, जब किसी और के कारण दुख होता है तो तुरंत खुद को देखना है। और के कारण बुरा लग सकता है, और के कारण दुख हो सकता है, पर क्यों दुख हुआ, क्यों बुरा लगा, इसका कारण हमें अपने भीतर खोजते जाना है, खोजते जाना है, जब तक नहीं मिलता। उसको ज्यादा दोष देंगे, उसका ज्यादा गलती देखेंगे तो हमारा ऊर्जा फिर बाहर के तरफ चला जाएगा। हमें अपने भीतर की कमजोरियों को, अपनी गलती को देखना है। किसी और के कारण दुख लगा तो उस समय थोड़ा लग गया, कोई बात नहीं, पर उसके लिए बाद में कोई भी राग द्वेष नहीं रखेंगे और अपने भीतर सुधार करेंगे, देखेंगे। ऐसे करते करते जो मैं बनकर खड़ा है उसको गिराना है, उसको मिटाते ही जाना है। जब वो मैं लाचार होगा, उसके पास कुछ भी शक्ति नहीं बचेगा, वे गिर जाएगा, मिट जाएगा, तब हम एकदम शून्य हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, फिर हमारा सत्य से साक्षात्कार हो सकता है। जब मैं पूरी तरह से गिर जाएगा, फिर उसके सिवाय कौन रहेगा। जो सत्य है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, बस वो ही रहेंगे और कोई नहीं। जब तक मैं है तब तक वे नहीं, जब तक तब मैं का पता नहीं, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। जब मैं का अभाव होता है तब वो ही होते हैं, बस वो ही होते हैं।